हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नक्श ब्लॉग्स। आज की हमारी वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, जिसमें हम देखेंगे काइन मास्टर ऐप से मैजिक इफेक्ट्स कैसे लगाएं, जो आप अपने यूट्यूब या कोई भी प्लेटफॉर्म की वीडियोस पे अपडेट कर सकते हैं, जिससे आपकी वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। आज की वीडियो में हम बताएंगे टी शर्ट, सिंगल कलर टी शर्ट्स को मल्टी कलर टी शर्ट्स कैसे करते हैं, जिसमें हम अनलिमिटेड कलर्स ऐड कर सकते हैं। जी हाँ, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर हम उसके ट्यूटोरियल के बारे में जान लेते हैं। ये वीडियो है जिसको हम प्ले कर लेते हैं। आप देख सकते हो जैसे रिफ्लेक्सेस चेंज होते हैं, वैसे टी शर्ट की कलर भी चेंज होती है। इसे आपको काफ़ी ध्यान से करना होता है, जिससे आपकी वीडियो बिगड़े ना। जैसे ही रिफ्लेक्सेस चेंज हो रहे हैं, एक्शन चेंज हो रही है, वैसे ही टी शर्ट के कलर भी चेंजेस हो रहे हैं। तो देखिए, ये वीडियो में हमने कैसे 8 to 9 टी शर्ट्स के कलर चेंजेस हुए हैं, जो हम आपको बताएंगे कि अभी इसकी एडिटिंग हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए मैं ये प्रोजेक्ट बंद कर देता हूँ। आपको फर्स्ट काइन मास्टर ऐप में जाना है एंड आपको एक ब्लैंक प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। अगर आपकी वीडियोस यूट्यूब के लिए है स्पेसिफिकली, तो आपको 16:9 रेशो सेलेक्ट करना है, या अगर आपका आपकी वीडियो फेसबुक या टिकटॉक के लिए है, तो आप 9:16 या 1:1 का भी रेशो सेलेक्ट कर सकते हो। तो अगर हमारी वीडियो यूट्यूब के लिए है, सो वी विल सेलेक्ट 16:9 रेशो। सो नाउ दिस इज़ अ ब्लैंक प्रोजेक्ट। आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें आपकी जो फर्स्ट वीडियो है, जो आपने रिकॉर्ड की है, वो आपको इसमें लेके आनी है। तो ये हमारी वीडियो है जो हम लाए हैं प्रोजेक्ट में। सो आपको अभी फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको वीडियो लेके आनी है। सेकंड स्टेप आपकी ये है कि आपको इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेनी है। सो हम लेफ्ट में जो हम लोग 3 डॉट्स है, विल क्लिक ऑन दैट, विल क्लिक ऑन द डुप्लीकेट एज लेयर ऑप्शन। सो इसकी एक डुप्लीकेट बन गई। सो नाउ हमको ये वीडियो को फुल स्क्रीन पे लाना है। सो विल जस्ट क्लिक ऑन द डुप्लीकेट कॉपी, विल क्लिक ऑन द मिडिल आइकन एंड विल जस्ट ऑन दैट। सो इससे हमारी फुल स्क्रीन वीडियो आ गई है। नाउ अगर आपके वीडियो में कोई भी अनवांटेड ऑडियो है, जो आपको नहीं बतानी है, नहीं सुनानी है इन द वीडियो, सो यू कैन म्यूट दैट ऑडियो। सो आप म्यूट कैसे कर सकते हो, जस्ट क्लिक ऑन दैट वीडियो, क्लिक ऑन द ऑडियो एंड जस्ट म्यूट दैट ऑडियो। सिमिलर हम दोनों वीडियो के लिए करेंगे, जस्ट म्यूट इट। सो आपकी फर्स्ट स्टेप रेडी है। अभी आपको क्या करना है, आपकी जो डुप्लीकेट वाली लेयर है उसे सिलेक्ट करना है। काफ़ी सिंपल सी एडिटिंग है, काफ़ी सिंपल सी ट्यूटोरियल है। आपको डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक करना है, देन यू हैव टू गो टू द क्रोमा की, जो आपकी सारी एडिटिंग के लिए यूज़ हो सकती है। यू नीड टू एनेबल द क्रोमा की। सो अब ये क्या करेगा, आपकी जो टी शर्ट की कलर है वो ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा। सो देखिए, अभी हम बैक जाके देखते हैं हमारी टी शर्ट की कलर कौन सी थी। सो इट वॉज़ रेड। सो अगर हम एनेबल करेंगे तो ये अपने आप रेड कलर सेलेक्ट करेगा। अगर इनकेस नहीं करेगा, सो वी नीड टू मैन्युअली चेंज द कलर टू द सेम टी शर्ट कलर। आपको इसको एडजस्ट करना है। सो हाउ यू नो टू एडजस्ट इज, जो आपका वाइट वाला पोर्शन है उसको आपको पूरा वाइट करना है। देखिए, मैं ये पूरा वाइट कर देता हूँ, मैंने 40 पे रख दिया। और जो आपका ये ब्लैक वाला पोर्शन है वो आपको पूरा ब्लैक करना है। सो हम इसको पूरा ब्लैक कर देंगे। सो देखिए, अभी अगर हम इसको ओके करते हैं, सो ये आ गई वीडियो। यू कैन सी अ वेरी थिन लाइन बिटवीन द टी शर्ट, जिसे आपको ये साबित होगा कि इसकी एडिटिंग हो चुकी है। अब हमारे 3 स्टेप की एडिटिंग पूरी हो गई। जो फर्स्ट, आपकी वीडियो को डुप्लीकेट बना लेनी है। सेकंड, यू नीड टू म्यूट द ऑडियो ऑफ दैट वीडियो। थर्ड थिंग इज़ एनेबल द क्रोमा की एंड एडजस्ट द फेस और एडजस्ट द कलर्स। नाउ अभी हम क्या करेंगे, ये जो वीडियो है हमारी ओरिजिनल वीडियो, उसे हम प्ले करेंगे एंड देखेंगे कहाँ पे रिफ्लेक्सेस चेंज होते हैं। सो ये देखिए, मैंने ये स्टार्ट की वीडियो, यहाँ पे हमारे रिफ्लेक्सेस चेंज हो गए। तो
यहाँ पे मैं कर्सर रखूँगा, हमारा कर्सर अभी 4 सेकंड पे है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, आई विल ट्रिम और स्प्लिट को मैं सिलेक्ट करके स्प्लिट एट प्ले हेड कर दूँगा। सेम नेक्स्ट आप फिर से प्ले करोगे, देखोगे कि नेक्स्ट रिफ्लेक्सेस कहाँ पे है, या फिर यहाँ पे रिफ्लेक्सेस चेंज हो गए। तो मैं इसको थोड़ा सा पीछे लेके एक बार चेक कर दूँगा। तो यहाँ पे इसके रिफ्लेक्सेस चेंज हो गए। आपको इसको थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी टू गेट द एग्जैक्ट एक्शन। तो यहाँ पे हम इसको फिर से क्लिक करके और एक स्प्लिट हेड प्ले हेड कर देंगे। तो जितने भी व्हाट यू नीड टू डू इज, जितने भी आपके एक्शंस जहाँ पे चेंज होते हैं, जहाँ पे आपको टी शर्ट की कलर चेंज करनी है, वहाँ पे आप क्लिक करके उसे स्प्लिट कर दोगे एंड उसकी कलर उसको चेंज कर दोगे कलर। और हम देखते हैं कि आगे हमारी वीडियो कहाँ तक लग गई है। तो यहाँ पे क्लैप हुआ, यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमारी वीडियो कहाँ तक लग गई है। तो यहाँ पे क्लिक हुआ, अगेन सेलेक्ट द वीडियो, सेम प्रोसीजर वी नीड टू डू, क्लिक ऑन द सीजर आइकन एंड वी नीड टू क्लिक ऑन प्रे हेड। विल डू इट वन मोर टाइम, सो आपको एक पूरी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। प्ले द वीडियो, जहाँ पे आपके रिफ्लेक्सेस चेंज होते हैं वहाँ में आपको पॉज करके आपकी स्प्लिटेड प्ले हेड कर देनी है। सो अभी हमने 4 प्ले हेड्स ऐड कर दिए है, सो वील जस्ट ऐसे ही आप मल्टीपल प्ले हेड्स ऐड करके आपकी वीडियो में और कलर चेंज कर सकते हो। तो हम देखेंगे अभी कलर चेंज कैसे होते हैं। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, फर्स्ट लेयर या फिर वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट है उसको आपको एज इज रखना है। सेकंड पार्ट को आपको सेलेक्ट करके यू नीड टू गो इनटू कलर फिल्टर। कलर फिल्टर में आके आपको जो अच्छा सा या फिर कंट्रास्ट जो कलर आपको दिख जाएगा आपको वो चेक करके देखना है। सो दिस इज द कलर आई एम पुटिंग इट एज ग्रीन। अगर आपको चाहिए कि वीडियो और थोड़ी सी एडिटिंग में क्रोमा की में कुछ सिलेक्ट हो तो आप इसको और सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप इसको देख सकते हो मैंने 41 और 59 पे सेट किया है, तो ना इट इज़ स्टिल मोर फाइन। ऐसे ही मैं थर्ड इस पे थर्ड वीडियो के पार्ट पे क्लिक करके आई विल चेंज वन मोर कलर, जो अभी मैंने ग्रीन किया था चेंज, आई विल चेंज इट टू द कॉन्ट्रास्ट जो कि और मज़ेदार इफेक्ट आएगा उससे। सो लेट सेलेक्ट ब्लैक, सो लेट्स डू ओके, लेट्स क्लिक ऑन दी फोर्थ प्ले हेड। इसे भी कलर फिल्टर पे आई है, यू कैन सी वन मोर कलर, यू कैन सेलेक्ट एनी ऑफ देम, को आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो। अगर कंट्रास्ट करोगे तो इट विल गिव अ वेरी नाइस लुक। सो इसमें है ये हमने मरून कलर ऐड कर दिया। वैसे ही यू कैन ऐड अनलिमिटेड प्ले हेड्स, जैसे ही आप क्लिक करके और कुछ प्ले हेड सीजर से ऐड कर सकते हो एंड सारे प्ले हेड्स को आप एक अलग अलग कलर दे सकते हो, जिससे जैसे ही एक्शन चेंज हो जाएगी आपके सारे वीडियोस, आपके सारे रिफ्लेक्सेस और आपके सारे टी शर्ट के कलर्स अलग हो जाएंगे। सो वी विल जस्ट वीडियो एंड चेक करेंगे हम लोग। सो लेट्स प्ले द वीडियो, और आप देख सकते हो कितनी फाइन वीडियो बनी है, कितनी सीमलेस बनी है, जिसे आप और एडिटिंग ट्राई करके और इसे अच्छा बना सकते हो, जो कि काफ़ी सिंपल है काइन मास्टर ऐप से बनाने के लिए। सो ऐसी थी हमारी ये वीडियो जिसमें हम मल्टी कलर, मल्टी टी शर्ट्स कलर ऐड कर सकते हैं, शर्ट्स पे ऐड कर सकते हैं। सो आई होप यू हैव लाइक्ड अ वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।